आपका स्वागत है गांगुली टेक पर, मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको पीएचपी में एरे कैसे बनाना है। और इस वीडियो में जो हम लोग एरे बनाने जा रहे हैं उसको वन डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है और उसको न्यूमेरिक एरे भी कहते हैं। और उसको न्यूमेरिक एरे क्यों कहते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पीएचपी में सबसे पहले आपको एरे बनाने के लिए आपको एक एरे का नाम लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे नेम्स रख दिया। फिर आपको इक्वल लगाना है, फिर आपको एरे लिखना है, फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके वो वैल्यूज लिखनी है जो आप इस एरे में स्टोर कराना चाहते हैं। और एरे जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, मतलब अगर आप एक साथ जैसे मान लीजिए आपके पास 10 नंबर है और 10 नंबरों को अगर आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो तो आपको एरे का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो एरे बना रहे हैं वो नेम्स है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेम्स स्टोर करेंगे इस वेरिएबल पर। तो आपको ये एरे लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर सबसे पहले जो आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो वो लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ संदीप लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने अपना दूसरा कोई नाम लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर तीसरा मैंने नाम लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे चौथा नाम लिख दिया। तो इस तरीके से जो है मैंने एरे बना दिया और इस तरीके से आपने वैल्यू स्टोर करा दी एरे में। और जो एरे में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो जो आप एरे का जो पहला एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू जीरो होती है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो, और ये जो आपके जो वैल्यू है मतलब ये एरे में जो आप वैल्यू लिख रहे हैं इनको एलिमेंट कहा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू जीरो होगी, फिर इसकी वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी। तो अगर आपसे कभी कोई कहे कि एरे का, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास चार वैल्यूज है, तो अगर आपसे कोई कहे कि एरे के जो इस एरे में से आपको थर्ड वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब थर्ड वाले एलिमेंट को, तो आप क्या करेंगे इसे थर्ड में वन माइनस कर देंगे। तो वन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, टू आएगा। तो ये जो टू आपका जो वैल्यू आया वो आपकी ये इंडेक्स वैल्यू होगी। मतलब अगर आप एरे का जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पर अगर मतलब एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आपको थर्ड वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये देखिए जीरो वन टू, तो यहाँ पे टू है और ये आपका थर्ड एलिमेंट है, तो आपको ये एक्सेस करने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इको लिख लेते हैं, एरे का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी होगी जहां पर आप उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। हम थर्ड का एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब एरे के थर्ड एलिमेंट का जो है जो वैल्यू है वो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, और जो इसका इंडेक्स वैल्यू है वो टू है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू। तो यहाँ पर हम टू लिखेंगे और इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो है आप थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन हम लोग जो है इंडेक्स वैल्यू हम लोग यहाँ पे टू दे रहे हैं, तो उसमें जो कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जो एलिमेंट का, जैसे कहा कि थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसमें एक घटा दीजिए और जो रिजल्ट आएगा, जो टू आया वो आपका वो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। तो अब जो हम लोग इस प्रोग्राम को ब्राउजर में रन करेंगे उसके लिए आपको एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है, इसमें एक फोल्डर होगा htdocs और इसके अंदर मैंने न्यूमेरिक एरे करके एक फोल्डर बनाया, वहाँ पर मैंने ये फाइल को सेव किया है array.php। आपको भी ऐसे करना है क्योंकि htdocs फोल्डर जो था आपका वेब डायरेक्टरी होता है, इसके अंदर जो भी फाइल्स आप देंगे वो वेब ब्राउजर पर दिखाई देगा। तो हम लोगों ने अपना जो है ये ब्राउजर को ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने एड्रेस बार में लोकल होस्ट लिखा और उसके बाद फिर मैंने न्यूमेरिक एरे पे क्लिक किया, फिर एरे पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, मतलब ये आप जो है यूट्यूब लिख कर आ गया। तो और यही हमारे जो थर्ड एलिमेंट की वैल्यू थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एरे है फर्स्ट सेकेंड आपका थर्ड एलिमेंट जो वैल्यू यूट्यूब है, तो इस तरीके से आ गया। दूसरा तरीका एरे बनाने का ये कि आप एरे का नाम लिखिए और फिर आप ये इंडेक्स मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे आप खुद से जो है इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करते हैं। इस केस में क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू जो होता है पीएचपी द्वारा क्रिएट किया जाता है और यहाँ पर आपको खुद से क्रिएट करना होता है। मैंने यहाँ पे जीरो दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड और फिर मैंने यहाँ पर कुछ इसको कॉपी कर लिया और ये जो मैंने किया यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्लिक करके मैंने कॉपी किया, कंट्रोल प्लस डी से किया, फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे टू है और फिर यहाँ पे टोटल थ्री। तो एक मैंने फिर से एक एरे बना लिया जिसका नाम मैंने कलर्स रखा और इसमें हमारे टोटल चार एलिमेंट्स है और मैंने यहाँ पे अलग अलग जो है वैल्यू के नाम दे दिए। इस तरीके से आपका एरे बन गया। अब इनको भी अगर एक्सेस करना तो वही सेम प्रोसीजर है, आप इको लिखिए, कलर्स लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और जिस इंडेक्स वैल्यू पे जो है आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो वो लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे टू लिख दिया और फिर से मैं ब्राउजर पर जाऊंगा, पेज रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ येलो लिख के आ जाएगा और ये दोनों देख रहे हैं कि आप इन दोनों के बीच में गैप नहीं बन के आ रहा, तो आप जो है इस वाले पे जाइए, यहाँ पे आप HTML का br टैग लगा दीजिए जो कि लाइन ब्रेक देता है और पेज रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे कोई एरर दिखा रहा है और ये सेमी कॉल, अरे इन्वर्टेड कॉमा छूट गया था, पेज रिफ्रेश करिए तो ये देखिए आ गया, पहले वाले एरे से हमारा यूट्यूब आया, दूसरे कलर्स वाले एरे से येलो आया। अब अगर आप इस एरे को अगर आप फॉर लूप के द्वारा एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर लूप बनाना होगा, फिर आपको ये काउंटर वेरिएबल एक बनाना होगा जिसका नाम मैंने इंडेक्स रखा,
फिर इंडेक्स में मैंने कंडीशन रखा कि इंडेक्स जब तक छोटा रहे चार से, क्योंकि हम ये कलर्स वाले एरे के जो वैल्यूज है उनको एक्सेस करेंगे, उसमें टोटल चार एलिमेंट है, और क्योंकि यहाँ वैल्यू जो जीरो से स्टार्ट हो रही है तो हम जीरो से, जब जीरो से आप थ्री तक जाएंगे टोटल वो फोर वैल्यूज होंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं केवल लेस देन का साइन लगाया। फिर हमने यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया और फिर मैंने इको से जो एक मैसेज दे दिया कि कलर नेम, और यहाँ पर मैंने जो है आपका एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसमें इंडेक्स वैल्यू पास कर दी, और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे जो है आपका बीआर टैग लगा दिया और यहाँ पे एक ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं वेब पेज पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए आपका कलर नेम जो है रेड आ गया, फिर ब्लू आ गया, येलो ग्रीन, मतलब इस तरीके से जो है फॉर लूप का यूज़ करके जो है आप ये कर सकते हैं, मतलब एरे के एलिमेंट्स को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसको जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो आपकी इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए इसको न्यूमेरिक एरे भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग आगे एसोसिएटिव एरे भी देखेंगे तो वो क्या होता है वो तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, तो ये जो है आपका एरे इसको न्यूमेरिक एरे भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको एरे बनाना है, एरे का नाम लिखना है, एरे वाला ये फंक्शन आपको बनाना है एरे, फिर ये पैरेंथेसिस लगाना है और उसके अंदर कॉमा सेपरेट करके आपको वो वैल्यूज लिखनी है जो आप इस एरे वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल स्ट्रिंग वैल्यू मैंने लिख के रखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको केवल स्ट्रिंग का ही बनाना है, मतलब आप पीएचपी में मिक्स्ड एरे भी बना सकते हैं। मिक्स्ड एरे का मतलब ये होता है कि आपका जो एरे है उसमें कुछ वैल्यू जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, कुछ आपका जो इंटीजर टाइप का हो सकता है, कुछ फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, मतलब डेसिमल टाइप का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एरे बनाना है और उसका यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम बना के रखा है एरे का, उसमें देखिए मैंने एरे ये नेम्स करके एरे बनाया, उसमें कुछ नाम है और फिर मैंने इसको फॉर लूप के द्वारा एक्सेस किया है, तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गया एड्रेस बार पर, मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक एरे पे क्लिक किया, फिर मैंने एरे नेम्स डॉट पी एच पी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स जीरो पे हमारे पास ये नाम है, इंडेक्स वन पे ये है, इंडेक्स टू पर ये है, और थ्री पर जो है आपका ये है। तो इस तरीके से आपको एरे बनाना और यूज़ करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे, और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।